तो आज की स्टूडियो में हम पावरफुल वाटर पंप बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं बस लेके एंड तक वीडियो पूरी को देखना। अब बच्चे बने जो न्यूज है स्कैम ने लगाया जा रहा है शेयर करना बनाना स्टार्ट। वाटर पंप बनाने के लिए हम ले रहे हैं ये विक्स की डिब्बी भी ले सकते हो गाइस, पर मैं नाइस रूप की ले रहा हूं। आप जैसे तो कुछ इस प्रकार खाली डिब्बी ले लेनी है आपको, इससे मैं दिखाता हूं गाइस। आप विक्स की डिब्बी ले सकते हो, मैं ये इसकी ले रहा हूं, ले सकते हो आप। और गाइस आपको चाहिए होगी एक डीसी मोटर 130 नंबर की, आपको टॉयस में निकल जाएगी। खराब रिमोट कंट्रोल कार इतने उसमें से हमने निकाल सकते हो, पर मैंने ना खरीदी होके 10 रुपये मिल जाएगी आपको ये मार्केट में। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से आपको ये चाहिए होगी एक पीस। तो गाइस पहले आपको ना यहाँ पे इसको ढक्कन खोल लेना है। यहाँ पे इसके बीच में ना ऐसा रहता है ना, या देखते हो इसके अंदर इसमें पहले ना मार्किंग है जिसके अंदर मैं छेद करके यहाँ पे इसके साइज का ये बेयरिंग रहता है ना उतना बड़े यहाँ पे कर दूंगा छेद, फिर इसके अंदर ये टाइटली आ जाएगी। ओके जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से इसमें छेद कर लिया है। अब इसके अंदर डीसी मोटर को अच्छे से लगा लेंगे, जल्दी से लगा लेते हैं गाइस। इसको ना ऐसे लगाना सिंपल है, और पहले इसमें फेविकिक लगा देंगे यहाँ से। गाइस इसकी बेयरिंग में आपको फेविकिक डील नहीं डालनी है क्योंकि खराब भी हो सकती है, और फिर ना आपके ना आपको ग्लू गन से चिपका देना है, मैं जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस इसको हमने चिपका लिया, फिर इसको ग्लू गन से चिपकाएंगे। पर गाइस ना पहले आपको एक सर्कल बना लेना पीवी सीट का। गाइस आपको इसको पूरा गोल करना पड़ेगा, जैसे तो गाइस जल्दी से गोल कर देते हैं। गाइस के अंदर अच्छे से आ जाए जितना बड़ा छेद होल करना है अच्छे, ये जैसे जो ऐसे अनबैलेंस हो रहा है इसको थोड़ा सही से गोल करना पड़ेगा, जल्दी से कर लेते हैं। ओके तो गाइस हमने इसको गोल तो बना लिया है, अब इसके ऊपर शीट्स लगाएंगे। गाइस देख सकते हो कुछ इस प्रकार से शीट है। अब इसको यहाँ पे ऐसे करके चिपकाएंगे, फिर इसको कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको ऐसे चिपकाएंगे, देख सकते हो गाइस इसको ऐसे चिपकाया तो फिर इसको ऐसे नीचे चिपकाएंगे, इसको ऐसे चिपकाया तो फिर इसको ऐसे चिपकाएंगे। ओके जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस मैंने इसको ऐसे चिपका लिया, तो अब इसको ऐसे चिपका देंगे, जल्दी से यहाँ से चिपका देते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ इस प्रकार मैंने चिपका लिया इसको भी, अब इसको ऐसे चिपका लेंगे, जल्दी से यहाँ पे चिपका लेंगे। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप इसको बना लेना है, और जैसे इसको अंदर फेविक डाल लेनी है जिससे ना इसमें ना निकले ना पीसेस। ओके गाइस कुछ इस प्रकार से हम इसमें अच्छे पीसेस भी चिपकाया लेंगे। अब थोड़ी इसको देर में सूखने देते हैं, फिर इसके अंदर लगाएंगे। तो गाइस ऐसे तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है। अब इसके ऊपर चिपका देंगे, यहाँ पे फेविक डाल देंगे इसकी शाफ्ट पर थोड़ी सी, गाइस थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी डाली हमने यहाँ पे, चिपका दिया इसको अच्छे से। दिखाता हूँ भैया गाइस देखते हो अच्छे से चिपका लिया, घूमने लग गए हैं अच्छे से आ रहा है। आपको ना इतना रखना है जिससे ये बाहर ना निकले। ओके अब इसको ये लगा देना है वैक्स विक्स के डिब्बी को, और यहाँ पे एक छेद करना है गाइस। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले ऐसे कर लेना है, फिर यहाँ पे छेद कर लेना है, दोनों तरफ से हो जाएगा। ओके गाइस तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शोल्डर का रखना है, दिखाता हूँ मैं गाइस ये हो चुका है बहुत अच्छे से। देखो थोड़ा सा बड़ा घुमा देना है, ओके ये थोड़ा बड़ा बन जाए, ये आउटलेट का होगा। ओके गाइस हो चुका है, अब यहाँ पे एक छेद कर देंगे बीच में करेंगे मिडिल में, तो इसके मिडिल हम संभाल सकते हैं, ये रहा मिडिल इसका देख सकते हो। अब इसमें छेद कर दे देंगे जल्दी। तो गाइस छेद तो कर लिए हैं, अब इसको यहाँ पे लगाएंगे फेविकिक से चिपका देंगे यहाँ पे। पहले ना यार पहले सुपर पर ना लगाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। गाइस देख सकते हो ये राजमिस्त्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ये नली पाइप कहते हो आप इसको, देख सकते हो ये तो इस पे यहाँ पे लग जाएगी, ये पानी लेगी। ओके और ये ऊपर लग जाएगी जिससे ये ना पानी फेंकेगी। ओके जल्दी से इसको लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका लुक आ रहा है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं गाइस, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। गाइस ये ग्लू गन के कारण ये इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना गाइस ग्लू गन से अच्छे से इसको एयर टाइट करना पड़ेगा पानी से लीक ना हो, इसलिए इतनी ग्लू गन लगाई है। ओके गाइस अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे हम 12 वोल्ट का सॉकेट लगाएंगे, 12 वोल्ट से टेस्टिंग करेंगे डायरेक्ट। ओके गाइस तो गाइस मैंने बकेट ले लिया, इसमें पानी भर देंगे। अब कुछ इस प्रकार से पानी भर लेंगे, इसमें फुल कर देंगे पानी को। गाइस हम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई सब लेके आ चुके हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से हमने फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर ना कनेक्टर लगाते हैं, ये 12 वोल्ट कनेक्टर हमने नहीं लगाया क्योंकि ना कनेक्टर कुछ बार गड़बड़ भी कर जाता है, इसलिए मैंने कनेक्टर नहीं लगाया है। अब ये चल गया गाइस, देखो कितना अच्छे हवा आ रही है, देखो गाइस देखो गाइस कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। गाइस देख सकते हो आपके सामने कोई फेक वीडियो नहीं है। देख सकते हो गाइस देख सकते हो, अभी खाली कर दिखाता हूँ गाइस, देखो पानी कितना अच्छे से आ रहा है गाइस देख सकते हो।
गाइस मैं इसको जैसे रोकता हूँ, जैसे ना ये मोटर है देखते बंद हो जाती है गाइस। गाइस ये हीट बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे तो कितने अच्छे से वाप कर रही है गाइस, जैसे तो अब इसको डुबा के देते चलती है फिर नहीं। लुक गाइस सो अब अच्छे से वर्क कर रही है गाइस, जैसे तो कितने अच्छे से वर्क कर रही है गाइस। आपके गाइस इतने जोखिम भरा या चार्जर भी खराब हो सकता है गाइस, जैसे तो आपके लिए देखो गाइस कितने अच्छे से पानी फेंक रही है गाइस, जैसे तो मोटर देखो अच्छे से कितने अच्छे से टोक आ रहा है गाइस। आपको मैं अब बड़े लेवल पर दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने बाल्टी भर ली है पानी की, अब इसको फिर से टेस्टिंग करते गाइस। आपको क्योंकि ना पानी का वेस्टेज कर रहा है, पर गाइस ना आधे भाई लोग कहेंगे कि तू फेंक बनाता है, इसलिए ना तू इसे टेस्टिंग करके नहीं दिखाई गाइस। देखते हो देता हूँ आपको, ये देखो गाइस, देखो गाइस पानी में इसको पूरा डिप करेंगे गाइस। देखो गाइस ये कनेक्टर लगा लेना चाहिए था मेरे ऊपर। देखते हो गाइस कितना जैसे वर्क कर रहा है, देखते हो देखते हो देखो कितना जैसे प्रेशर, देखते हैं इसका प्रेशर, देखते हो गाइस देखो गाइस गाइस का प्रेशर भी बहुत अच्छा है गाइस, देखते हो गाइस। को आप है ना कूलर के अंदर ले सकते हो यूज, वहाँ पे भी ले सकते हो, या आप प्रोजेक्ट में आते हो उसमें ले सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट देख सकते हो। जैसे मैंने इसकी नली पे लगाया मुँह, ये पानी मोटर आवाज़ चेंज हो गई। देखो गाइस कितने अच्छे से गाइस, इसके अंदर पानी भी नहीं डालना पड़ता है, जैसे अपना ये पानी आए देख दो। उसे मैंने बंद किया, कुछ नहीं करना, फिर चलाई ऐसे ऐसे चलाई, देखो गाइस पानी आने लग गया है। वैसे ही गाइस या तो मैं आपको एक बार भर के कितना पानी आ, ये वेस्ट है देख दो। अब इसके अंदर चला के दिखाता हूँ आपको, आप यकीन करोगे फिर। देखो गाइस कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, देखो गाइस गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके जो समझ आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। ऐसी वीडियो चाहिए तो ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।